Okay, so what is up, everybody? Welcome back again to your brother's YouTube channel, Rishi the Rider. And yes, maybe Superbiz Jodhpur. I think मैंने नया YouTube channel बनाया है. Probably मैं ये video उसी channel पर डालूंगा, because अभी मैं vlogging मेरे personal channel पर करूँगा. और जो shop से related जो भी work है, for like ये जो भी related shop से related works है, वो मेरे पर्सनल चैनल के ऊपर, सॉरी शॉप के चैनल के ऊपर डालूंगा, जो है सुपरविल जोधपुर. तो अभी फिलहाल तो एक भी सब्सक्राइबर नहीं है नए चैनल पे. प्रोबेबली दिस विल बी द फर्स्ट वीडियो ऑन माय प्रोफेशनल चैनल. तो आज हमारे पास एक्चुअली दो प्रोजेक्ट्स हैं. एक प्रोजेक्ट तो ये खड़ा, एक प्रोजेक्ट किसी काम के लिए गया हुआ है. उसमें अपन को दो HJG के लाइट्स लगाने हैं. वन दिस, एक तो ये है और एक लाइट पड़ी है यहाँ पे नीचे मर्सिडीज स्टाइल. तो ये दो लाइट्स अपन को उसमें लगानी है. और ये गाड़ी बिल्कुल अपने पास स्टॉक आई थी, तो इसके अंदर अपन ने ग्राफिक्स लगाए हैं. तो राइट नाउ ऐसी कुछ गाड़ी दिख रही है, उस तरफ डेकल्स लग चुके हैं. तो ये बिल्कुल स्टॉक ग्राफिक्स के साथ में गाड़ी थी. इसके ऊपर भैया ने कस्टम ग्राफिक्स बनवाए थे. ये कुछ ग्राफिक्स है एंड भैया ने खुद का इंस्टा वगैरह भी इसके ऊपर लाइक कस्टम प्रिंट करवाया है. तो दिस इज़ इट. एक बार पूरी होने के बाद में मैं आपको दिखा दूंगा. मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग इस वीडियो को नहीं करूंगा, बिकॉज बस आप समझ जाओ जो भी है. तो दिस इज़ इट. एक बार पूरा जब भी ग्राफिक्स हो जाएगा मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दूंगा. और जो दूसरी हिमालयन है, जिसमें अपन दो HJG की सुपर पावरफुल लाइट्स लगा रहे हैं, वो भी अभी आपको दिखा देंगे. इनकी आदत कभी जाएगी नहीं गोचा करने की. ओके, तो बस अपना सेकंड प्रोजेक्ट भी आ चुका है हिमालयन, जिसपे दो अपन HJG की लाइट्स लगा रहे हैं. एंड मीनवाइल ये काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. जो भी प्रिंटेड पार्ट्स है वहाँ पे तो अपन ने सब जगह ग्राफिक्स लगा दिया है. बट इसमें जो ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो फाइबर पार्ट का जो डैशबोर्ड काइंड ऑफ मटेरियल आता है, उसके भी स्टिकर्स आए हैं और उनको लगाने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, बिकॉज़ वहाँ पे स्टिकिंग इतनी प्रॉपर हो नहीं पाती है. तो इसमें अपन ने इसके ऊपर पहले प्राइमर अप्लाई करके फिर स्टिकर लगाया, ताकि थोड़ा सा अच्छे से वो पकड़ हो जाए स्टिकर की. और एक यहाँ के भी स्टिकर आया है, यहाँ पे थोड़ा सा और पंगा होने वाला है. यहाँ स्टिकर वैसे लगेंगे नहीं सही से, अपन लगा देंगे, लेट्स ट्राई, लगेंगे ठीक है. तो भाई जिसको अपन पार्ट को स्किप कर देंगे, लेट्स सी. वैसे गाड़ी ऑलरेडी बहुत अच्छी लग रही है, वो थोड़ा ब्लैक पार्ट भी अच्छा लग रहा है, अदरवाइज पूरा ब्लू ऑरेंज हो जाएगा. तो अच्छी लग रही है, लेट्स सी उसको अपन स्किप करते हैं या लगाते हैं. बट अदरवाइज लुक एट दिस, दिस इज लुकिंग डैम सेक्सी आई कैन से. और इफ़ यू नोटिस, भैया ने बहुत कुछ गाड़ी लोड करवा रखी है. यू कैन सी दी मर्सिडीज स्टाइल HJG लाइट्स. और भैया ने ये आई जस्ट फॉरगेट द ब्रांड नेम, मैडॉग की लाइट्स लगा रखी है. और कुछ काइंड ऑफ यू कैन से ECU रीमैपिंग है, जिसमें 10-12 मेमोरीज है. आप अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग मेमोरीज आप जिस भी कंडीशन में हो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो ECU की कंडीशंस को. तो दिस इज इट. ओके, तो बस फाइनली पूरी गाड़ी हो चुकी है. ये पार्ट जैसे मैंने बोला था, इस पार्ट को स्किप कर दिया है, बट यहाँ पे लगाया. यू कैन सी, मैं आपको उस तरफ दिखाता हूँ, थोड़ी सी रोशनी है. ये देखो यहाँ पे आपको पैटर्न्स नज़र आ रहे होंगे. अब लेट्स सी ये रहता कितने दिन है, थोड़ा सा डाउटफुल मामला है, बट प्रोबेबली रह जाएगा. बाकी गाड़ी यू कैन चेक आउट, पहले क्या लग रही थी अभी क्या लग रही है. इट्स जस्ट डैम ब्यूटीफुल सेक्सी. और सबसे बड़ी बात, भैया ने पूरा कस्टम करवाया. भैया का नाम भी जो इंस्टा आईडी है लोगन नवाज है, और यहाँ पे उन्होंने एक्समैन बनाए भी एक वुल्वरीन. मार्वल्स में ही है ना, ये मार्वल्स का एडिशन है. यस, तो लुक एट दिस. ये बॉस, दिस इज़ अ फुल्ली लोडेड ड्यूक 390. टू बी ऑनेस्ट, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई लिटर क्लास बाइक है. 1200 cc लग रही है. अमेजिंग मैन, अमेजिंग भैया. Something you would love to say? Say
लेटेस्ट ये ग्राफिक्स स्पेशली मैंने काफ़ी एनालाइज करके इसको ऑर्डर किया था हमारे गिनी से, और मैंने एप्लीकेटर की एप्लीकेशन की बहुत ट्राई किया जोधपुर में, मेरे को कहीं नहीं मिला, तो समहाउ आई फाउंड फ्रेंड रियली हेल्प मी आउट विद दिस एप्लीकेशन, वेरी थैंकफुल। प्लेजर, आर प्लेजर। तो बस ऐसे जो एंथुजियास्ट होते हैं जिनको अपनी गाड़ी से जान से भी ज़्यादा प्यार है, उनके लिए हम ऑलवेज देयर हैं। तो थम्स अप टू लोगन भैया फॉर चूजिंग सच अ ग्रेट ग्राफिक्स। एंड ऐसा कुछ होता है तो बस हमें काम करने में भी उतना ही मज़ा आता है जितना लाइक उनकी गाड़ी, आई थिंक उनसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हम लोगों को होता है गाड़ी पे काम करते वक्त, जब ऐसे एंथुजियास्ट लवेबल कस्टमर्स आते हैं जो अपनी गाड़ियों से बहुत प्यार करते हैं। तो हेड्स ऑफ टू देम, हेड्स ऑफ टू आर टीम, और अपनी तारीफ भी मैं कर देता हूँ, हेड्स ऑफ टू मी, जो हम पूरे शिद्दत से काम करते हैं गाड़ियों पे। तो प्लीज़ विजिट अस इफ़ यू लव योर बाइक्स, कार्स, योर व्हीकल्स, वी विल टेक केयर ऑफ योर व्हीकल्स मोर देन यू फॉर श्योर, बिलीव अस। तो वैसे ये ब्लॉग अभी यहाँ एंड हो नहीं रहा बिकॉज वी हैव वन मोर प्रोजेक्ट आउटसाइड, अभी उसको भी कवर कर रहे हैं साथ ही साथ काम, अभी इसमें दोनों लाइट्स का इंस्टॉलेशन हो गया है, अभी वायरिंग वर्क इन प्रोसेस है, तो उसको भी कवर करेंगे। तो बस देखो, वैसे तो वी आर मेनली अबाउट कार्स, बट आज ऐसा लग रहा है डेट वी ओनली डील इन बाइक एक्सेसरीज, वहाँ निंजा खड़ी है या हिमालयन का काम हो रहा है, यहाँ पे अपन ने 390 रेडी करी है, तो इट फील्स लाइक वी आर जस्ट अबाउट बाइक्स, बट वी आर अबाउट बाइक्स एंड कार्स बोथ। करो ऑन, करो एक एक करके सारी ऑन कर दो। तो बस ये ऐसा कुछ फाइनली इंस्टॉलेशन दोनों लाइट्स का हो गया, ये दोनों ऊपर की मर्सिडीज स्टाइल एक्सटर्नल फॉग लैंप्स, और ये नीचे थ्री लेंस वाली लाइट है। तो ये कुछ लुक आ रहा है, बड़ा ही काफिल लग रहा है। ओके, तो बॉस यू कैन जस्ट सी चारों लाइट्स लग गई है, एंड जस्ट लुक एट द थ्रो, डैम अमेजिंग थ्रो मैन, अमेजिंग, मतलब कातिल थ्रो है। अभी सिर्फ ऊपर वाले दो लगाओ, तो ये ऊपर वाली दो लाइट्स, ये ऊपर वाली वाइट येलो मिक्स, ये नीचे वाले, ये दो लाइट्स और लाइट, ये प्रॉपर सेटअप ये है। जस्ट लुक एट द टीम, अभी जस्ट फील करो रोड को, बिल्कुल एक भी लाइट नहीं लग रही है, ठीक है। अभी जस्ट ऊपर वाली लाइट्स है उसमें ओनली येलो बीम लग रही है, ये ऊपर वाली लाइट्स में येलो प्लस वाइट ऑफ, ये जो नीचे वाली लाइट्स है उसमें ओनली येलो, और सॉरी ये नीचे वाली लाइट्स में ओनली येलो, ये येलो प्लस वाइट। अभी अब दोनों की दोनों लाइट्स लग रही है, जस्ट फील दी थ्रो। तो दोस्तों अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं लाइट, ये है नीचे वाली, ये है ऊपर वाली कंबाइन लो बीम जो है, अब हाई बीम टेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, तो बस फाइनली वर्क हैज़ कम टू एन एंड फॉर टुडे, अभी आज की तारीख का सारा काम कंप्लीट हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट व्लॉग फॉर आवर न्यू चैनल, कैसा लगा बताना, एंड वापस ऐसे ही बाइक और कार रिलेटेड, ऑटोमोटिव रिलेटेड वीडियोस आपको सारे इस चैनल पे मिलेंगे, और कुछ कुछ मैं उस चैनल पे भी डाल दूंगा बिकॉज उसमें भी चलता रहेगा, बट मोस्टली अब वहाँ पे अगर कुछ व्लॉग टाइप ऑफ सीन रहा तो वो उस पर जाएगा, बाकी ऑटोमोटिव रिलेटेड मोस्टली वीडियोस इस चैनल पे आएंगे। तो थम्स अप, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू कनेबिया एंड रियांश भाई फॉर दी सपोर्ट।
मिलते हैं जल्दी, अभी थोड़ा सा चिल करके घर को निकलते हैं। दोस्तों वीडियो एंड करने के बाद में भी एक क्लिप और आपको दिखा देते हैं। एक इनलाइन फोर शूज़ हैं अपने पास, इनलाइन फोर व्हील्स हैं इनमें, एंड आपको रेट सुन के बड़ा ही शॉकिंग फील करोगे आप, सरप्राइजिंग फील करोगे। तो इनका पेयर है वर्थ 1.5 CR, लैक 1.5 लैक का ये पेयर है, एंड दिस इज मेड ऑफ कार्बन फाइबर, द शू इज मेड ऑफ कार्बन, ओरिजिनल कार्बन फाइबर, ऐसा भैया बोल रहे हैं। ओरिजिनल है भैया, तभी 1.5 लैक है, ऑब्वियस है, टू बी ऑब्वियस। तो कुणाल भाई है, ये कुणाल पाटी, और ये नेशनल लेवल स्केटिंग स्केटर है। अभी भी इन्होंने हमें आके अपने 3-3 सिल्वर मेडल्स बताए जो ये अभी जस्ट जीत के आए हैं। तीन सिल्वर मेडल, अच्छा 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, ओके माय बैड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं। दिखा दो ना एक बार वापस मेडल, तकलीफ दूंगा आपको बट एक बार वापस निकाल के दिखा दो। हाँ नहीं तो हमारी ऑडियंस मानेगी नहीं कि आप वाकई में स्केटर हो। ये 2 सिल्वर मेडल, ये ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड कब ला रहे हो? कल ले आओगे? कल ले आओगे गोल्ड? नवंबर में? चलो भैया को कॉन्ग्रेचुलेशंस और गुड विशेस दो फॉर गोल्ड मेडल, और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दीज सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल पूरे एक्सट्रीम राइडर की तरफ से। आपका बहुत बहुत बधाई, सुपर व्हील्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ ये एक्सट्रीम राइडर के मेंबर है। फॉर टू ऑल द न्यू ऑडियंस आपको बता दूँ डेट, हमारा एक ग्रुप है, बाइकिंग ग्रुप, AKA क्लब एक्सट्रीम राइडर्स क्लब है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। एक्सट्रीम राइडर्स करके हमारा इंस्टा के ऊपर पेज है, तो यू कैन डू ज्वाइन अस। ठीक है अब इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है एंड करते हैं। वैसे ये टर्बो किचन लेना है पर कैंसल हो गया।